गुड इवनिंग हमारे क्लास टेंथ के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे आपका सप्लीमेंट्री रीडर का पांचवां चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। आज हम लोग हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, मींस हिंदी व्याख्या देखेंगे, जो किसके द्वारा लिखा गया है, एच जी वेल्स के द्वारा लिखा गया है। तो आज हम लोग इस चैप्टर की एक एक वर्ड मीनिंग बताते हुए एकदम विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे दोबारा आपको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इस चैप्टर पर चलने से पहले पहले बता देते हैं कि आपका सिलेबस अभी तक कहाँ तक हुआ है। आपके सिलेबस में अभी तक आपका अप्रोच का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आज आपका पांचवा चैप्टर शुरू हो जाएगा। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें, अप्रैल से जितनी क्लासें आपकी चली हुई हैं, सारी क्लासें एक शेड्यूलाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग कनेक्ट होते हैं। आज की टॉपिक आपका है इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चलने से पहले देखिए यहाँ पर पूरा पीडीएफ आपका तैयार है। इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग टेक्स्ट पे आ जाते हैं और इसके टेक्स्ट पे चलने से पहले इसकी समरी जान जाते हैं, इसकी कहानी जान जाते हैं। जैसे समरी जाने रहेंगे, कहानी जाने रहेंगे तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में, जब इस चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे तो आपको आसानी होगी, समझने में आसानी होगी, क्योंकि आप कहानी जानते रहोगे तो जो आपकी लाइनें बताएंगे वो कहानी इससे आप रिलेट करते चलोगे। तो कहानी इसकी कुछ इस तरह से, जैसे चैप्टर का नाम क्या हो गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर का नाम क्या है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स मींस होता है पदचिन्ह होता है, मींस पैरों के चिन्ह होते हैं। विदाउट फीट मींस बिना पैर के, बिना पैर के पैरों के चिन्ह। अब आपको कुछ अटपटा लग रहा होगा, बिना पैर के पैरों के चिन्ह, पदचिन्ह मींस होता है फुटप्रिंट्स मींस होता है पदचिन्ह, पदचिन्ह होता है विदाउट फीट मींस बिना पैर के। अब बिना पैर के किसी के पैरों के चिन्ह कैसे बन सकते हैं, मींस जो तालू वाला पोर्शन होता है, नीचे पैर का जो पोर्शन होता है, जब हम कहीं चलते हैं तो एक चिन्ह बनाते हुए, जैसे स्लीपर या चप्पल नहीं पहनी हुई है तो एक चिन्ह बनता हुआ चल रहा है, तो चिन्ह बन रहा है लेकिन कोई पैर दिख नहीं रहा है वहां पर। तो यही इस चैप्टर के बारे में है। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से है, एक वैज्ञानिक है, जिस वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, ग्रिफिन नामक एक वैज्ञानिक है। वह वैज्ञानिक क्या करता है कि एक ऐसी खोज करता है, मींस ऐसा खोज करता है जिससे अपने शरीर को पूरी तरह से अदृश्य कर दिया, इनविजिबल कर दिया, मींस अपने शरीर को पूरी तरह से उसने क्या कर दिया, अदृश्य कर दिया है, इनविजिबल कर दिया है। तो अदृश्य कर दिया है, तो अब जो है अपने शरीर को अदृश्य कर दिया तो होगा क्या, जैसे चल रहा है उसका शरीर तो दिखेगा नहीं, लेकिन जो है अगर स्लीपर नहीं पहना हुआ है तो उसके पैरों के चिन्ह दिखेंगे ना, जो चल रहा है जमीन पे उसके पैरों के चिन्ह दिखेंगे ना, तो उसका पदचिन्ह दिख रहा है लेकिन जो है वह व्यक्ति नहीं दिख रहा है, मींस उसने अपने आप को इनविजिबल किया हुआ है, अदृश्य किया हुआ है। तो यही कहानी है इस चैप्टर की। अब अदृश्य किया हुआ है उस वैज्ञानिक ने अपने आप को अदृश्य करके जो है, क्या वह इस शक्ति का, जो उसे अदृश्य करने की जो शक्ति हुई थे उस शक्ति का जो है वह दुरुपयोग करता है या सदुपयोग करता है, वह कैसे जो है उसको कैसा उसका उपयोग करता है, कैसा लोगों के साथ ट्रीट करता है, वही सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई हैं। इस चैप्टर की पूरी कहानी वही है, उसके बारे में, उस वैज्ञानिक के बारे में बताया गया है, वह जो है कहीं जाकर के कैसे फील करता है, कैसे जो है लोगों से फेस कर रहा है, उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, सारी चीजें इस कहानी में बताई गई हैं। तो अब हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको सारी चीजें दिमाग के बन जाएंगी, एक एक करके हम जो है पूरी जो है पैराग्राफ वाइज एक एक करके वर्ड मीनिंग बताते हुए सही बताएंगे, तो आपको दिमाग में सारी कहानी सारे सब कुछ सेट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए और एक रफ ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, क्योंकि जहां भी आपको दिक्कत होगी वर्ड मीनिंग में, जहां भी दिक्कत होगी आप लिखते चलिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग लिखेंगे तभी अच्छे से चैप्टर तैयार हो पाएगा, नहीं वर्ड मीनिंग क्लियर रहेगा तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए आप जो है पेन लेकर के अपनी किताब में ही वर्ड मीनिंग लिखते चलिएगा, जो आपको टफ लगे तो इतना काम करिएगा, बेहतर से बेहतर होगा। तो जल्दी से हम लोग इसके टेक्स्ट पे आ जाते हैं। टेक्स्ट पे आते हैं, देखिए आपका दिया हुआ है, कैन अ मैन बिकम इनविजिबल। तो कैन मीन्स हो सकना, अमैन मीन्स एक व्यक्ति, बीकम मीन्स सकना, इनविजिबल मीन्स अदृश्य। क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है, कैन मीन्स हो सकना, अमैन मीन्स एक व्यक्ति, बीकम मीन्स होना, कैन मीन्स सकना, अमैन मीन्स एक व्यक्ति, बीकम मीन्स होना, इनविजिबल मीन्स अदृश्य। क्या एक व्यक्ति अदृश्य हो सकता है, दिस इज द स्टोरी, यह कहानी है ऑफ अ साइंटिस्ट मीन्स ऐसे वैज्ञानिक की, यह ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है, हु डिस्कवर्स, जो क्या करता है, खोज करता है, हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कैसे अपनी आप को अदृश्य बनाए, मीन्स जो ऐसा
खोज करता है कि कैसे हम अपने आप को अदृश्य बना लें। तो वही दिया हुआ है, दिस इज द स्टोरी, या कहानी ऑफ अ साइंटिस्ट मींस ऐसे वैज्ञानिक की कहानी है हु डिस्कवर्स, जो खोज करता है हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, इनविजिबल कैसे अपने आप को क्या बनाए, अदृश्य बनाए। Does he use, क्या वह प्रयोग करता है, or misuse या फिर दुरुपयोग करता है। तो क्या उसे जो ये शक्ति मिली हुई है, जो उसने अपने आप को अदृश्य बना लिया हुआ है, तो वही क्रिया हुआ है does he use, क्या वह इसका सदुपयोग करता है, or misuse या फिर इसका दुरुपयोग करता है, his discovery means अपनी खोज को, अपनी खोज का क्या वह सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है, ये इस कहानी में चलेंगे। तो कहानी में जो है अब हमको पता चलेगा कि इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपका तब पता चल जाएगा कि वो सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपका दिया हुआ था बिफोर द टेक्स्ट दिया हुआ था, ये आपका टेक्स्ट यहां से एक्चुअल नहीं शुरू है, बिफोर द टेक्स्ट था, कहानी पढ़ने से पहले ये था। अब आगे आ जाते हैं, आपका टेक्स्ट पे आते हैं, तो टेक्स्ट में हम लोग पहले पैराग्राफ पे चलते हैं। आपका 10-12 पैराग्राफ दिया हुआ होगा तो आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिए। तो हम लोग इसके पहले पैराग्राफ पे आते हैं, देखते हैं इसका पहला पैराग्राफ क्या है। The two boys means दो बच्चे, दो लड़के, started in surprise means आश्चर्यचकित हुए at fresh muddy imprints means fresh means ताजा, muddy means कीचड़युक्त, imprints means होता है चिन्ह means छाप, ताजे ताजे कीचड़युक्त छाप को देख करके वे आश्चर्यचकित हुए of a pair means जोड़ा, a barefoot means नंगे पांव, नंगे पांव के जोड़े को देख करके means दो लड़कों ने हैरानी से एक जोड़ा नंगे पांव को, पांव की कीचड़युक्त ताजा छाप देखी। फिर से देखना, द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, दो बच्चे आश्चर्यचकित हुए एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स मीन्स ताजे जो है कीचड़युक्त, इम्प्रिंट्स मीन्स छाप को देख करके ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फुट मीन्स नंगे पांव के, नंगे पांव के एक जोड़े को ताजे जो है कीचड़युक्त जो है छाप को देख करके वे क्या हुए, आश्चर्यचकित हुए मीन्स सरप्राइज हुए। ये दो बच्चों की बात हो गई। What was a barefooted man doing on the step of a house in the middle of London? अब ध्यान देना, What was a man means एक व्यक्ति, What was a man means एक व्यक्ति क्या कर रहा है, barefooted means नंगे पांव वाला, एक व्यक्ति नंगे पांव वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, ऑन द स्टेप मीन्स सीढ़ियों पर, ऑफ अ हाउस मीन्स एक घर के, एक घर के सीढ़ियों पर वह नंगे पांव वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, इन द मिडल ऑफ लंदन मीन्स लंदन के मध्य में, लंदन एक शहर है, इंग्लैंड में लंदन एक शहर है, तो उस शहर के मध्य में सीढ़ियों पर जो है, ऑन द स्टेप है ना, घर के सीढ़ियों पर ये नंगे पांव वाला व्यक्ति क्या कर रहा, क्या कर रहा था, क्योंकि वाज है तो इसलिए था हो जाएगा। वाट फिर से देख लो, वाट वाज अ बेयर फुटेड मैन, एक क्या जो है नंगे पांव वाला व्यक्ति डूइंग मिस कर रहा था, ऑन द स्टेप मीन सीढ़ियों पर, ऑफ अ हाउस मीन्स ऐसे घर के, इन द मिडल ऑफ लंदन जो लंदन के मध्य में है, लंदन के मध्य में एक ऐसे घर में सीढ़ियों, एक सीढ़ियों वाले घर पर, ऑन द स्टेप ऑफ अ हाउस मीन्स एक घर के सीढ़ी पर यह नंगे पांव वाला व्यक्ति क्या कर रहा था। And where was the man? और वह व्यक्ति कहाँ था? Means and where was the man? वह व्यक्ति कहाँ था? अब इस लाइन को मीनिंग समझने की कोशिश करना, क्यों कह रहे हैं कि वह व्यक्ति कहाँ था? तो means उसका जो है कीचड़युक्त पैर, जब कीचड़युक्त पैर है तो उसके पैरों के पदचिन्ह दिख रहे हैं जब चल रहा है, लेकिन जो है वह व्यक्ति नहीं दिख रहा है, तो वही कहा गया है एंड वेयर वॉज दी मैन, और वह व्यक्ति कहाँ पर था। As they gazed, gazed means होता है ध्यान से देखना, gazed means होता है ध्यान से देखना। As they gazed, जब वे ध्यान से देख रहे थे, a remarkable sight made their eyes, उनकी उनकी आंखों में, remarkable means होता है एक असाधारण, विलक्षण या महत्वपूर्ण, sight means होता है दृश्य, made their eyes means उनकी आंखों के सामने एक महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई दिया। Means as they gazed, जब वे ध्यान से देख रहे थे, a remarkable sight, एक महत्वपूर्ण दृश्य, made their eyes, उनकी आंखों से मिला means आंखों को दिखाई दिया, उनकी आंखों में एक महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई दिया। वह दृश्य क्या है? A fresh footmark, एक ताजा पैरों का चिन्ह है, पदचिन्ह है।
अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर, जो कहीं से क्या हो रहा था, अपीयर्ड हो रहा था, उपस्थित हो रहा था या प्रकट हो रहा था। मीन्स पांव का एक ताजा निशान कहीं से, अर्थात पता नहीं कहीं से क्या हो रहा था, प्रकट हो रहा था। नाउवेयर मीन्स हो जाएगा कहीं से, मीन्स एक जो है ताजा पांव का निशान जो है कहीं से क्या हो रहा था, प्रकट हो रहा था। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं आगे क्या है आपका। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर एनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। ध्यान देना, फर्दर फुटप्रिंट्स मीन्स आगे जो पैरों के चिन्ह थे, फॉलोड मीन्स आगे बढ़ रहे थे, मीन्स एक के बाद एक पांव के निशान पड़ते रहे थे। वन आफ्टर एनदर मीन्स एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरे जो है पैरों के निशान क्या हो रहे थे, पदचिन्ह, फुटप्रिंट्स मीन्स होता है पदचिन्ह, एक दूसरे का फॉलो कर रहे थे, मीन्स पढ़ते जा रहे थे। डिसेंडिंग दी स्टेप्स, वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। डिसेंडिंग मीन्स होता है उतरना, असेंड मीन्स होता है चढ़ना, डिसेंडिंग मीन्स होता है उतरना। तो वह जो है क्या कर रहा था, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। एंड प्रोग्रेसिंग, और बढ़ रहा था डाउन दी स्ट्रीट मीन्स सड़कों की तरफ, और सड़क की तरफ वह क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और सड़क की तरफ क्या कर रहा था, आगे बढ़ रहा था। फिर से लाइन देखो, फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर एंडर मींस जो है एक के बाद एक और पांव के निशान पड़ते गए। डिसेंडिंग द स्टीप्स स्टेप्स, वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और सड़क के आगे की तरफ क्या कर रहा था, प्रोग्रेस कर रहा था, मींस बढ़ रहा था। प्रोग्रेसिंग मींस होता है बढ़ना, तो सड़क के आगे की तरफ बढ़ रहा था। The boys followed, बच्चों ने उसका अनुसरण किया। Followed means अनुसरण करना या फिर पीछा करना। बच्चों ने उसका अनुसरण किया या पीछा किया। Fascinated, आकर्षित होकर के। पीछा क्यों करें, आकर्षित होकर के, ये आखिर क्या हो रहा है। मीन्स बिना जो है पैरों वाला, बिना शरीर वाला व्यक्ति जो है यहाँ पर उसके पैरों के जो है पदछाप पड़ रहे हैं। तो बच्चों ने आश्चर्य के साथ उसका क्या किया, फैसिनेटेड मीन्स होता आश्चर्यचकित होकर के, आकर्षित होकर के उसका पीछा किए। आगे देखते हैं, The boys followed fascinated, बच्चों ने उसका पीछा किया। Until means तक, कब तक, The muddy impression became fainter and fainter, जब तक वह कीचड़ युक्त जो है imprints जो था, जो निशान था, जो छाप थी, became fainter and fainter means धुंधला नहीं हो गया, जब तक वह जो है जो imprints था, जो impression था, muddy impression था, जो पैरों की पदछाप थी, जब तक वो धुंधला नहीं हो गया, तब तक वे उसका क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। फेंटर मीन्स होता है धुंधला, जब तक वह पैरों के निशान धुंधले नहीं हो गए, अर्थात जब तक उसके पैरों में कीचड़ रहा होगा तब तक तो छाप बन रही होगी, लेकिन जैसे कीचड़ जो है खत्म हो गया होगा तो जाहिर सी बात है तब आपकी छाप पैरों की नहीं बनेगी, तब तो सीधे स्मूथली जो है पैरों में मिट्टी नहीं रहेगी, तो आपको छाप बहुत कम बनेगी, सिंपल से जो है स्मूथली चले जाएंगे, अगर धूप वूप है जैसे तो स्मूथली चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा। तो लेकिन मिट्टी रहेगी तो जाहिर सी बात है पैरों की पदछाप बनेगी। तो जब तक धुंधला नहीं हो गया तब तक बच्चे क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे। एंड एट लास्ट, और अंत में डिसअपियर्ड ऑल टूगेदर, यह पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया। मीन्स अंत में पूरी तरह से वह क्या हो गया था, समाप्त हो गया। मीन्स पूरी तरह से पैरों की पदचाल जो पदछाप थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गया। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, इस एक्सप्लेनेशन मीन्स व्याख्या, आप मिस्ट्री मीन्स इस रहस्य का व्याख्या, वॉज रियली सिंपल इनफ मीन्स पर्याप्त रूप से सरल है, आसान है। इस जो है मिस्ट्री का, इस रहस्य की व्याख्या पर्याप्त रूप से क्या है, आसान है। एंड द बिविल्डर्ड बॉयज, बिविल्डर्ड मीन्स होता है घबराए हुए या हैरान, ये जो घबराए हुए हैरान बच्चे थे, हैड बीन फॉलोइंग मीन्स पीछा किए कराए जा रहे थे, मीन्स वे पीछा कर रहे थे, अ साइंटिस्ट मीन्स एक वैज्ञानिक का, ये जो घबराए हुए बच्चे थे वे एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने अभी अभी खोजा है, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कैसे मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बनाते हैं। मीन्स जिसने अभी अभी खोजा है कि कैसे मनुष्य के शरीर को क्या बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, मीन्स पारदर्शी बना देते हैं। फिर से देखना लाइन का, द बीविल्डर्ड बॉयज, ये घबराए हुए बच्चे, हैड बीन फॉलोइंग मीन्स पीछा कर रहे थे, अ साइंटिस्ट मीन्स एक ऐसे वैज्ञानिक का, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जो अभी अभी खोजा है, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, कैसे एक मनुष्य के व्यक्ति को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, मीन्स पारदर्शी बनाते हैं, जो अपने जो है ऐसे आविष्कार को अभी अभी रिसेंटली क्या किया हुआ है, खोजा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पहले पैराग्राफ का हिंदी एक्सप्लेनेशन, हिंदी व्याख्या हो गया, एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए
चल रहे हैं, आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी किताब से मिलाते चलिए, किताब से मिलाते हुए जो वर्ड मीनिंग टफ लगे आप उसे लिखते चलेंगे तो बेहतर होगा, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ आपका है क्या। और सेकंड पैराग्राफ पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास टेंथ के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करना है प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आगे चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, ग्रिफिन है, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन वैज्ञानिक, हैड कैरीड आउट, कैरी आउट मीन्स होता है करना या पूरा करना, हैड कैरी आउट एक्सपेरिमेंट मीन्स वह क्या कर रहा था, जो है एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग कर रहा था, मीन्स ग्रिफिन जो वैज्ञानिक था वह जो है क्या कर रहा था, प्रयोग कर रहा था, आफ्टर एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग के बाद वह प्रयोग कर रहा था, टू प्रूव मीन्स सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य की शरीर क्या हो सकती थी, अदृश्य की जा सकती है, मीन्स जो है प्रयोग कर रहा था किस लिए, यह सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य की बॉडी क्या हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है मीन्स अदृश्य हो सकती है। फिर से देखो, ग्रिफिन द साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो वैज्ञानिक था, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग के बाद प्रयोग कर रहा था, टू प्रूव दैट, यह सिद्ध करने के लिए, दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, कि मनुष्य की शरीर क्या हो सकती है, इनविजिबल हो सकती है मीन्स अदृश्य हो सकती है, इस चीज को सिद्ध करने के लिए वह प्रयोग कर रहा था। Finally means अंततः, he swallowed, उसने क्या कर लिया, निगल लिया, swallow means होता है निगलना, अंततः उसने निगल लिया certain rare drugs, कुछ दुर्लभ दवाइयों को, अंततः उसने कुछ दुर्लभ दवाइयों को निगल लिया, and his body became as transparent as a sheet of a sheet or glass, and his body, और उसकी शरीर became means हो गई transparent means पारदर्शी हो गई, एज सीट आर ग्लास मीन्स जैसे जो है किसी ग्लास का, ग्लास मीन्स होता है शीशा, शीशे की जैसे चादर होती है जिस तरह से वह पारदर्शी होती है, आप एक पार से दूसरे पार देख सकते हो ना, जैसे कहीं व्हाइट कलर का शीशा लगा हुआ है तो आप एक पार से दूसरे पार देख सकते हो, केवल उस शीशा आपको दिखता रहे, शीशा भी आपको नहीं दिखेगा, जब आप शीशे के पास पहुंचोगे आप वहां टकराओगे तब आपको कोई सॉलिड चीज नजर आएगी कि यहां पर कोई सॉलिड चीज है तो आपको ऐसे नजर आती है, तो मीन्स उस शीशे के चादर के समान उसकी भी बॉडी क्या हो गई थी, इनविजिबल हो गई थी, अदृश्य हो गई थी या फिर पारदर्शी हो गई थी, अब उसकी शरीर नहीं दिख रही थी, अब जो है पूरी तरह से उसकी शरीर बॉडी क्या हो गई थी, पारदर्शी हो गई थी मीन्स अदृश्य हो गई थी, आर पार वहां से क्या किया जा सकता था, देखा जा सकता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिससे आर पार देखा जा सके वही ट्रांसपेरेंट होता है। आगे चलते हैं, Though it is also remained as solid as glass, यद्यपि वह बना हुआ था, कितना ठोस बना हुआ था, उस शीशे जैसे वह ठोस बना हुआ था, मीन्स यद्यपि यह उसी प्रकार ठोस बना रहा जैसे कि शीशा, उसकी बॉडी उसी तरह से ठोस बनी रही, मीन्स कोई जाएगा तो टकरा जाएगा उससे, लेकिन उसकी शरीर दिखेगी नहीं, उस शीशे के समान उसकी शरीर हो गई थी जो है दूर से दिखते नहीं है, जहां कोई नजदीक में जाएगा उसको बॉडी को टच करेगा तो टच होगा, मीन्स कोई मजबूत चीज वहां पर नजर आ जाएगी लेकिन वह व्यक्ति दिखेगा नहीं। तो वही कहा हुआ है, दाउ इट आल्सो रिमेन्ड, लेकिन यह अभी भी बनी हुई है, एज सॉलिड एज ए ग्लास मीन्स उस शीशे के समान यह अभी भी सॉलिड बनी हुई है, मीन्स सॉलिड बनी हुई थी, बनी हुई है कैसे, जो मीन्स एकदम सख्त मजबूत बनी हुई है। आगे, ब्रिलियंट साइंटिस्ट, यह वैज्ञानिक कैसा था, ब्रिलियंट मीन्स बुद्धिमान वैज्ञानिक, दाउ ही वाज, यद्यपि वह बुद्धिमान वैज्ञानिक था, ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन, बुद्धिमान वैज्ञानिक के साथ ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन था रादर अ लॉलेस पर्सन मीन्स नियम न मानने वाला, लॉ मीन्स होता है नियम, लेस मीन्स होता है न मानने वाला, वह नियम न मानने वाला व्यक्ति था, मीन्स इसके अलावा जो है वह नियम न मानने वाला क्या था, व्यक्ति था, लॉलेस मीन्स नियम न मानने वाले, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था उससे क्या करता था, डिसलाइक करता था मीन्स नापसंद करता था, एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे बाहर निकालने की क्या किया, कोशिश किया, इजेक्ट मीन्स होता है बाहर निकालना, और उसे बाहर निकालने की कोशिश किया, ट्राइड मीन्स प्रयास किया, टू इजेक्ट हिम मीन्स उसे बाहर निकालने की, वह उसे पसंद नहीं करता था मकान मालिक, और उसे बाहर निकालने का प्रयास किया, कोशिश किया, इन द वेंजेंस के विरोध में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, उस घर में ग्रिफिन ने क्या लगा दिया, आग लगा दिया,
और इसके जो है विरोध में मींस इसके बदले स्वरूप रिवेंज मींस होता बदला, इसके बदले स्वरूप ग्रिफिन सेट फायर मींस होता आग लगा देना टू द हाउस मींस घर में। ग्रिफिन ने घर में क्या लगा दिया, आग लगा दिया। मींस सनकी देखो कितना सनकी है, उसका मकान मालिक उसे घर से बाहर निकालना चाह रहा है, ये घर में आग लगा दे रहा है। ये मतलब बहुत ही सनकी वैज्ञानिक तो था, बहुत तेज वैज्ञानिक था, लेकिन जो है सनकी में कम नहीं था, बहुत ही सनकी भी था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन हैड रिमूव हिज क्लॉथ्स। ध्यान देना, टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन मींस किसी के द्वारा या ना देखा जाए, ही हैड टू, इसके लिए उसे करना पड़ा रिमूव हिज क्लॉथ्स मींस उसे अपने कपड़े निकालने पड़े। किसी व्यक्ति के द्वारा ना देखा जाए इसके लिए उसे अपने कपड़े निकालने पड़े, मींस ऊपर से लेकर के नीचे तक एकदम नंगा हो गया। नंगा होगा कहीं को नंगा हो गया भैया, अगर कपड़वा रहता तो उसकी शरीरिया इनविजिबल हुई है ना, अदृश्य उसकी शरीर हुई है ना, कपड़वा तो दिख जाता कि कपड़ा कोई व्यक्ति पहना हुआ है और कोई व्यक्ति कपड़ा पहन सकता था, इसलिए जो है कपड़ा दिख जाता तो मीन समझ जाते कि हम यहाँ पर कोई व्यक्ति है। उसकी शरीर तो ठोस इसी प्रकार से बनी हुई थी, केवल दिख नहीं रही थी। अब तो कपड़ा पहनने से कपड़ा दिख जाता, शरीर की आकृति का कपड़ा दिख जाता कोई व्यक्ति पहना हुआ है, तो इसलिए जो है उसने अपने आप को अदृश्य करने के लिए उसे अपने कपड़े क्या करने पड़े, उतारने पड़े, मींस पूरी तरह से नंगा होना पड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। दस इट वाज आगे देखते हैं। हाँ, दस इट वाज दैट ही बीकेम होमलेस वांडरर। दस मीन्स इस प्रकार से, इट वाज दैट मीन्स इस प्रकार से, ही बीकेम मीन्स हो गया अ होमलेस मीन्स बेघर, वांडरर मीन्स भटकने वाला, इस प्रकार से वह बेघर भटकने वाला हो गया। होमलेस मीन्स होता है बेघर, बेघर मीन्स जिसका घर ना हो, उसे किराए से निकाल दिया गया तो बेघर ही हो गया ना। तो इस प्रकार से जो है अब घरों में आग लगा दिया तो अभी उसको रखा जाएगा, आग लगा दिया तो वो रखा जाएगा, वो मार मिल के भगा दिया जाएगा, इसलिए अपने आप को अदृश्य करने के लिए कपड़ों निकाल दिया, नंगा हो गया एकदम। ठीक है, तो दस इस प्रकार से इट वाज दैट ही बीकेम अ होमलेस वंडरर मींस बेघर होकर के वह भटकने लगा, विदाउट क्लोथ मींस बिना कपड़े के, विदाउट मनी मींस बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल और बिल्कुल जो है अदृश्य होकर के इस तरह से वह सड़कों पर भटकने लगा। अंटिल मींस तक ही हैड हैपन टू स्टेप इन सम मड, और तब तक जब तक वह किसी कीचड़ में नहीं पहुंच जाता था, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब वह चलता था तो उसका क्या पड़ता था, फुटप्रिंट्स मींस पैरों के निशान, मींस वह तब तक अदृश्य पड़ा हुआ रहता था, मींस अदृश्य बना रहता था जब तक कि उसके पांव किसी कीचड़ में ना पड़ जाएं और चलते समय वह कीचड़ युक्त पैरों के निशान न छोड़ता चला जाए, तब तक वह क्या बना रहता था, अदृश्य बना रहता था। हमने बता दिया कि पैरों कीचड़ में पड़ेंगे पैर तो जाहिर सी बात है कीचड़ का फुटप्रिंट्स बनेगा, तो वो तब तक जो है छिपा रह सकता था जब तक जो है उसके पैरों के किसी कीचड़ में न पड़ जाए उसके पैर, और उसके बाद वह कीचड़ युक्त पैरों के निशान न छोड़ते रहे, तब तक वह अदृश्य नहीं था। तो प्यारे बच्चे फिर से एक बार देखना इसे, विदाउट मनी मीन्स बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल और पूरी तरह से, इनविजिबल मीन्स अदृश्य, कब तक पूरी तरह से अदृश्य, अंटिल मीन्स तक, देखो क्वाइट इनविजिबल के बाद अंटिल दिया हुआ है, क्वाइट इनविजिबल मीन्स पूरी तरह से बिल्कुल जो है अदृश्य, अंटिल मीन्स तक, कब तक अदृश्य, ही हैड हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, जब तक उसके पांव किसी कीचड़ में ना पड़ जाए, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और जब वह चले तो अपने नीचे जो है बाद तक जो है पैरों के निशान न छोड़ते चले, तब तक वह जो है क्या रह सकता था, अदृश्य रह सकता था। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका दूसरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ हो गया। हम लोग चलेंगे तीसरे पैराग्राफ पे, देखते हैं आपका तीसरा पैराग्राफ है क्या। तो जल्दी से तीसरे पैराग्राफ पे आ जाइए, आप लोग अपनी किताब में देखते चलिए तीसरे पैराग्राफ को। ही एस्केप्ड इजली, वह पर्याप्त रूप से आसानी से क्या हो गया, एस्केप मीन्स बच गया, एनफ फ्रॉम द बॉयज मीन्स उन बच्चों से, हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन, जो उसके पैरों के चिन्हों का जो है क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे इन लंदन मीन्स लंदन में, क्योंकि उसके पहले बताया गया कि दो बच्चे उसके पैरों के निशान का क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे, तो इसने लिखा हुआ है ही एस्केप्ड इजली, वह आसानी से बच निकला, एनफ फ्रॉम द बॉयज, उन बच्चों से, हु फॉलोड, जो पीछा कर रहे थे इज फुटप्रिंट्स, उसके पैरों के निशान का, इन लंदन मींस लंदन में, लंदन में जो उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे वह आसानी से उन बच्चों से बच निकला। बट हिज एडवेंचरस वर बाई नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका एडवेंचरस मीन्स जोखिम, खतरा, परेशानी, साहसी काम, लेकिन उसका जोखिम, उसका खतरा अभी भी, वर बाई नो मीन्स ओवर, अभी भी समाप्त नहीं हुआ था, मीन्स उन बच्चों से तो बच गया लेकिन अभी भी उसका खतरा समाप्त नहीं हुआ था।
ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वांडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। अब ध्यान देना, ही हैड चूजन, उसने चुना, अ बैड टाइम मीन्स एक बुरा समय, उसने एक बुरा समय चुना, ऑफ द ईयर मीन्स वर्ष का, वर्ष का उसने बुरा समय चुना, टू वांडर मीन्स भटकने के लिए, अबाउट मीन्स लंदन, अबाउट मीन्स लंदन में, विदाउट क्लोथ्स मीन्स बिना कपड़े के, बिना कपड़े के वह लंदन में एक बुरा, पूरे वर्ष का एक बुरा मौसम चुना जो है टहलने के लिए, भटकने के लिए। क्यों जो है बुरा मौसम है तो उसे देखते हैं। इट वॉज मिड विंटर या मध्य सर्दी का समय था, मिड विंटर मीन्स यह मध्य सर्दी का समय था। अब जाहिर सी बात है, अगर सर्दी का समय है ठंडक कितना तेज लगती है, और सर्दी के समय में जो है स्वेटर नहीं निकालते, बनता है दिन भर स्वेटर पहने रहते हैं, ये तो नंगा टहल रहा है। सोचो अगर नंगा टहल रहा है तो कितना ठंडी लग रही होगी। तो वही का मिड जो है वो भी मिड विंटर है, मीन्स मध्य जो है ठंडी वाली बात है, शुरुआती नहीं, शुरुआती मान लो कुछ कम रहती है लेकिन मध्य वाली ठंडी है। अब मध्य वाली ठंडी में कुल अंगवय जो है एकदम सुन्न हो जाएगा, ऊपर से लेकर के जितना इसका बॉडी का अंग है ना नंगा हो जाएगा, तो एक अंग बचेगा नहीं, कुल ही सुन, कुल जो है उसका अंग जो है सुन्न हो जाएगा। तो वही बात है, इट वॉज मिड विंटर या मध्य जो है किसका समय था, विंटर का सीजन था, मीन्स ठंडी का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा बुरी तरह से जो है क्या थी, कोल्ड मीन्स ठंडी थी। आप देखो मौसम, एक तो जो है मौसम कैसा है, ठंडी का मौसम है, और उसके बाद हवा भी पूरी तरह से क्या थी, ठंडी थी। एंड कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वह जो है वस्त्र बिना ग्रिफिन का काम नहीं चल सकता था, मीन्स बिना कपड़े के उसका काम नहीं चल सकता था। ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, वह बिना कपड़े का कोई काम नहीं चल सकता था। अब आगे देखते हैं, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, मीन्स सड़कों पर टहलने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन्स होता है के बजाय, सड़कों पर टहलने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू स्लीप इन टू मीन्स घुसने के लिए, अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, मीन्स एक बड़ी लंदन की दुकान में, फॉर और वार्मथ मीन्स गर्माहट के लिए, गर्माहट के लिए उसने निर्णय लिया कि लंदन की एक बड़ी दुकान में क्या करने के लिए, स्लिप इन टू मीन्स घुसने के लिए। मीन्स फिर से देखो, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, सड़कों पर बेघर भटकने के बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू स्लीप इन टू मीन्स प्रवेश करने का, अ बिग लंदन स्टोर मीन्स लंदन की एक बड़ी दुकान में, फावामित गर्माहट के लिए, गर्माहट के लिए लंदन की एक बड़ी दुकान में प्रवेश करने के लिए उसने क्या लिया, डिसाइड किया, मीन्स निर्णय लिया। आगे देखते हैं आगे क्या होता है जब वह दुकान में जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, मीन्स दुकान बंद होने का समय आ गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड मीन्स दुकान बंद होने का समय आ गया। एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर टू क्लोथिंग, तो जो है ग्रिफिन जो है अपने आप को समर्थ हुआ, टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग मीन्स कपड़े पहनने का आनंद लेने में अपने आप को समर्थ हुआ, फीडिंग मीन्स भोजन करने में, हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, बिना खर्च किए भोजन करने में और कपड़े पहनने का आनंद लेने में वह क्या हुआ, समर्थ हुआ। मीन्स जैसे ही दरवाजा बंद हुआ तो वह अंदर चला गया, तो अंदर चला गया होगा तो कपड़े उसने पहने हुए होंगे, अब उसे ठंडी कम लग रही होगी, और फीडिंग मीन्स वहां पर जो भोजन वोजन रखा होगा उसने भोजन वोजन किया, क्योंकि बड़ा स्टोर है तो जाहिर सी बात है दुकान बंद हो गया, उसमें कोई नहीं है, शटडाउन का टाइम हो गया था, दुकान बंद हो गया, कोई नहीं है, तो जाकर के वहां पर उसने वस्त्र पहने और भोजन उसने किए, ठीक है, विदाउट एक्सपेंस मीन्स बिना खर्चा किए। आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं कहां तक पहुंची थी, इट वॉज मिड विंटर, ये तो हो गया आपका। हाँ, ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने क्या खोले, बॉक्सेस खोले मीन्स जो वहां पर बॉक्स रखे हुए थे, उसने उन बक्से को क्या किया, खोला। एंड रैपर्स, और इस पे जो पन्नी उन्नी लगी हुई होगी उस रैपर को भी खोला। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स, और अपनी आप को ठंडे वस्त्रों से क्या कर लिया, फिटेड कर लिया मीन्स ढक लिया, और अपनी आप को जो है ठंडे वस्त्रों से उसने क्या, गर्म, वार्म मीन्स होता है गर्म, गर्म वस्त्रों से क्या कर लिया, ढक लिया। सून जल्दी, विथ सूज मीन्स उसने जूते भी पहन लिए, एंड ओवरकोट, एक ओवरकोट भी पहन लिया, एंड वाइड ब्रीम्ड, और चौड़ी वाइड मीन्स होते चौड़ी, ब्रीम्ड मीन्स भी होता है आपका चौड़ा ही, चौड़े की सेंस में होगा, चौड़े घेरे वाली कह सकते हो, ब्रीम्ड मीन्स होता है चौड़े घेरे वाली, और उसने चौड़े घेरे वाली जो है हैट मीन्स टोपी पहना। ही बीकेम फुली ड्रेस्ड, वह पूरी तरह से कपड़े पहन लिया था। एंड विजिबल पर्सन, अब दृश्य व्यक्ति लगने लगा था।
होगा। जाहिर सी बात है, जब कपड़े पहन लिया, सब कुछ पहन लिया, तो दृश्य व्यक्ति लगेगा, क्योंकि उसकी शरीर तो है, शरीर तो इनविजिबल हुई है। बाकी जो है कपड़े पहन करके कपड़े में लगेगा नहीं कि कोई व्यक्ति है, कपड़े तो क्योंकि दिख रहे हैं। तो अब वही कह रहा है कि एंड ही बीकेम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, उसने पूरी तरह से कपड़े पहन लिए एंड विजिबल और दृश्य व्यक्ति दिखने लगा। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट मीन्स उस रेस्टोरेंट के किचन में ही फाउंड, वह पाया, कोल्ड मीट मीन्स ठंडी मांस, वह जो है उस किचन में ठंडी मांस पाया एंड कॉफ़ी और काफ़ी पाया। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स और उसने भोजन को किया, विथ स्वीट्स मीन्स इसके साथ मिठाइयाँ भी उसने खाई, वाइन मीन्स दारू पिया, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी मीन्स दुकान, जो वहाँ पर दुकान थी किराने की जो दुकान थी वहाँ से उसने दारू लिया, दारू भी पिया। फाइनली ही सेटल डाउन और अंततः वह बैठ गया, टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स मीन्स रजाई के ढेर, पाइल मीन्स ढेर, ऑफ क्विल्ट्स मीन्स रजाई, रजाई के ढेर पर वह सोने के लिए सेटल डाउन मीन्स लेट गया, मीन्स अंत में जो है वह रजाई के ढेर पर सोने के लिए क्या हो गया, सेटल डाउन मीन्स लेट गया। और अंत में इतना सब कुछ करने के बाद, कपड़े पहनने के बाद, सब कुछ खाना वाना खाने के बाद जो है वह जो है दारू वारू पीने के बाद वह जो है वहां पर जो रजाइयों का ढेर था उसी पर लेट गया, किस लिए, सोने के लिए। तो प्यारे बच्चों ये आपका तीसरा पैराग्राफ था। अब हम लोग चलेंगे चौथे पैराग्राफ पे, देखते हैं चौथा पैराग्राफ आपका क्या है। ये देखिए यहाँ पर व्यक्ति है, अभी इसकी कहानी आपको आगे पता चलेगा कि यह व्यक्ति क्यों भाग रहा है, दुकानदार क्यों पीछा कर रहे हैं, तो इसकी कहानी आगे बताएंगे, तो फिर इसके बाद आपका फिर स्पीकर को दिखाएंगे। आगे चलते हैं। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब ध्यान देना, if means यदि only Griffin means केवल Griffin had managed means इस बात को मैनेज कर लिया होता, means जो है अपने आप को जो है वह कर लिया होता, व्यवस्थित कर लिया होता, सफल हो गया होता, इस बात में सफल हो गया होता, to wake up means होता है उठने में, in good time means सही समय पर, यदि वह सही समय पर उठने में सफल हो गया होता, all might have been well, तो सब कुछ एकदम सफल हो जाता, सब कुछ ठीक हो जाता। यदि वह सही समय पर उठने के लिए जो है वह उठ गया होता, इस उठने में सफल हो गया होता, तो सब कुछ क्या हो जाता, सही हो जाता। As it was, he did not wake up until, जैसा कि वह तब तक नहीं उठा जब तक the assistants means सहायक were already arriving means पहुंचना शुरू कर दिए थे, next morning means अगले सुबह, जब तक जो है सहायक अगली सुबह जो है दुकान के जो सहायक थे जब तक अगली सुबह नहीं आ गए तब तक वह उठा नहीं था, वहीं पर सोया हुआ था। अब जब उस दुकान के सहायक आ गए तो जाहिर सी बात है इसकी पिटाई तो होने ही वाली है, ठीक है। When he saw, जब उन्होंने देखा, he saw a couple of them approaching, जब उसने देखा, he means कौन, इस डॉक्टर की, इस साइंटिस्ट की बात हो रही है। When he saw, जब उसने देखा, a couple of them means उनमें से एक जोड़े अप्रोचिंग मीन्स उसकी तरफ आ रहे थे, जब उसने देखा कि उनमें से एक जोड़े उसकी तरफ आ रहे थे, ही पैनिक्ड, पैनिक मीन्स होता है घबरा जाना, ही पैनिक्ड, वह घबरा गया, एंड बिगेन टू रन, और भागना शुरू कर दिया, वह घबरा गया, घबरा करके क्या करना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली, वे स्वाभाविक रूप से गेव चेज मीन्स उसका पीछा किए, और वे जो है जो वहाँ के सहायक थे स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किए। इन द एंड मीन्स अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वह जो है एस्केप मीन्स भाग जाने, अंत में वह भाग जाने में, छिप जाने में सफल हुआ। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, केवल तभी जब वह अपने नए नए जो कपड़े उसने पहने हुए थे उनको क्या करके, टेकिंग ऑफ मीन्स निकाल करके, मीन्स उन कपड़े नए नए पहने हुए कपड़ों को निकाल करके ही वह जो है भागने में वहां से क्या हुआ, सफल हुआ, अपने आप को एस्केप करने में वहां से भागने में क्या हुआ, सफल हुआ। अब जब उसने नए नए जो कपड़े पहने हुए थे सारे कपड़े निकाल दिए तो फिर इनविजिबल हो गया, फिर उसे कोई नहीं देख सकता है, तो इसलिए वह क्या हो गया, सफल हो गया। मीन्स नए नए जो कपड़े पहने हुए थे उन सभी कपड़ों को निकालने के बाद ही जो है वह क्या हुआ, सफल हुआ भागने में। सो वंस मोर, इसलिए एक बार और ही फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया, इनविजिबल मीन्स अदृश्य पाया, इस प्रकार से वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, एक बार उसने फिर अपने आप को इनविजिबल मीन्स अदृश्य पाया। बट नेकेड मीन्स नंगा इन द चिल जनवरी एयर, और जो है नंगा पाया कहाँ पर, एकदम नेकेड इन चिल जनवरी एयर, जनवरी की ठंडी हवाओं में,
मींस उसने जो है जनवरी की कड़ाके की ठंडी हवा में क्या था, वस्त्रहीन था, नंगा था। मींस एक बार इस प्रकार से उसने स्वयं को अदृश्य तो बना लिया, लेकिन जनवरी की कड़ाके की ठंड में वह पूरी तरह से क्या था, नंगा था। तो आगे देखो, फिर से इस लाइन को देखो, सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल। तो एक बार उसने पुनः अपने आप को क्या बना लिया, अदृश्य बना लिया, लेकिन बट मींस लेकिन नेकेड इन द चिल जनवरी एयर, मींस जो है जनवरी की कड़ाके की ठंड में वह कैसा था, लेकिन नंगा था, पूरी तरह से वह क्या था, वस्त्रहीन था, अर्थात नंगा था। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका पैराग्राफ नंबर 4 का हिंदी अर्थ हो गया। हम लोग पढ़ते हैं पांचवें पैराग्राफ की तरफ पढ़ते हैं, और पांचवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके लिए इतनी मेहनत करती हैं, आपकी क्लास के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है, इस क्लास को लेने के लिए पीडीएफ तैयार करना होता है, काफ़ी ताम झाम होता है, और पूरी तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग बस इतना किया करो, खास करके उन ग्रामीण बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाने की कोशिश किया करो जो कोचिंग या स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उन बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचाने की कोशिश किया करो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं पाँचवें पैराग्राफ में, चलते हैं देखते हैं पाँचवा पैराग्राफ क्या है। This time means इस समय he decided, उसने निर्णय लिया, to try the stock of theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। अब ध्यान देना, This time is इस बार, he decided, उसने निर्णय लिया, to try the stock of theatrical company means किसी थिएटिकल कंपनी में प्रवेश करने का उसने निर्णय लिया, इन दी होप मीन्स यह आशा करते हुए, फाइंडिंग मीन्स प्राप्त कर लेंगे, नॉट ओनली क्लॉथ्स केवल कपड़े ही नहीं प्राप्त करेंगे, बट आल्सो समथिंग कोई ऐसी चीज़ भी प्राप्त कर लेंगे दैट वुड हाइड, जो हमें छिपा सके, दी एम्प्टी स्पेस एबव हिज शोल्डर्स मीन्स उसके कंधे के ऊपर जो खाली स्थान होगा उसे भी क्या कर ले, छिपा सके, मीन्स जो कंधे के ऊपर जो है खाली स्थान होगा उसे भी छिपा सके, इस जो है चीज़ की उम्मीद में वह कहाँ पर प्रवेश किया, थिएट्रिकल कंपनी में, ड्रामा की कंपनी में क्या किया, प्रवेश किया। अब जो है शोल्डर मींस कंधे के ऊपर के भागों को छिपाने का संदर्भ क्या है, अब इस बात को समझने की कोशिश करना, कंधे के ऊपर के भाग को छिपाने का संदर्भ क्या है। अब जो है कंधे तक तो हम जो है शर्ट पहने हुए होते हैं, कपड़े पहने हुए होते हैं, लेकिन कंधे के ऊपर जो गर्दन होती है, अब गर्दन में कौन से कपड़े पहने हुए होंगे, अब जब गर्दन जो है उसकी इनविजिबल है, अदृश्य गर्दन है, तो जो है वहां पर खाली खाली स्थान दिख जाएगा। तो अब सोचा कि उसके गर्दन के लिए भी कुछ वहां पर जो है वस्त्र मिल जाएंगे, इसलिए उसने थिएटिकल कंपनी में प्रवेश किया, मींस ड्रामा की कंपनी में, उसने जो है नाटक की कंपनी में घुसने का क्या किया, निश्चय किया, मींस इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का निश्चय किया। उसे आशा थी कि उसे वहां न केवल पहनने के वस्त्र मिलेंगे, उसके अलावा कंधों के ऊपर ढकने कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, इसलिए उसने अंदर घुस गया। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंडक से कांपते हुए, ही हरी टू डरी लेन, वह डरी लेन की तरफ आगे बढ़ा, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, और यह जो है सेंटर था, केंद्र था, थिएटर मींस जो है नाटक का, वर्ल्ड मींस जगत, नाटक जगत का यह क्या था, केंद्र था, और जो ये जो है आपका जो ये प्लेस है डूरी लेन, ठीक है, ड्रूरी दिया हुआ है, मीन्स डूरी लेन जो ये आपका प्लेस है जहाँ पर वह तेजी से गया, द सेंटर ऑफ द थिएटर ऑफ वर्ल्ड, यह थिएटर जगत का क्या है, केंद्र था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है, ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, वह जल्दी ही, सून मीन्स जल्दी ही, फाउंड मीन्स पा गया, अ सुटेबल शॉप, एक बढ़िया सा जो है बेहतरीन दुकान पा गया, ही मेड हिज वे इनविजिबल, वह जो है अदृश्य होकर के आगे बढ़ा, अप स्टेयर्स में सीढ़ियों पे चढ़ा, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वीरिंग बैंडेजेस, और थोड़ी देर बाद वह जो है बाहर निकला पहन करके क्या, वीरिंग बैंडेजेस मीन्स पट्टी का पहन करके, राउंड हिज फोरहेड मीन्स अपने मस्तक के चारों तरफ उसने एक पट्टी लगा लिया, अब पट्टी लगा लिया तो उसका मस्तक भी नहीं दिखेगा जो इनविजिबल है वो भी नहीं दिखेगा, तो उसने पट्टी लगा करके, डार्क ग्लासेस मीन्स काले चश्मे पहन करके,
फाल्स नोज मीन्स झूठी नाक पहन करके, बिग बसी साइड विस्कस मीन्स बड़ी बड़ी मूछें लगा करके, एंड लार्ज हैट और लंबी टोपी पहन करके वहां से क्या हुआ, बाहर निकला। और मीन्स उसने जो है वहां से बाहर निकला तो क्या क्या पहना जो है, क्या क्या पहना हुआ है, देखो, वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, अपने जो है मस्तक के चारों तरफ उसने बैंडेजेस लगा लिए, मीन्स पट्टी लगा लिए हुए हैं, डार्क ग्लासेस मीन्स काले चश्मे लगाए हुए हैं, फाल्स नोज मीन्स जो है नकली नाक लगाया हुआ है, बिग बसी साइड विस्कस मीन्स होता है मूछे, बड़ी बड़ी मूछे लगा लिया हुआ, घनी बसी मीन्स होता है घनी, बसी मीन्स होता है घनी, घनी मूछे लगा लिया हुआ है, एंड लार्ज हेड और लंबी टोपी लगा करके वह बाहर निकला। मीन्स उसका जो शरीर दृश्य शरीर था वह सब कुछ उसने ढक लिया, मीन्स किसी न किसी कपड़े से जो है किसी न किसी चीज़ को पहन करके वह बाहर निकला है, तो जाहिर सी बात है उसके जो शरीर के अंग हैं जो ढकने लायक नहीं होते हैं, जिसके वस्त्र नहीं होते हैं, उन सभी को उसने जो है ढक लिया हुआ है, कुछ ना कुछ उसके लिए ले लिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पांचवा पैराग्राफ था, हम लोग बढ़ेंगे छठे पैराग्राफ की तरफ, पढ़ेंगे देखते हैं छठा पैराग्राफ आपका है क्या। Eager to get away from crowded means eager means इच्छुक होकर के, to get away means यहाँ से बाहर निकलने के लिए, from crowded London means भीड़युक्त लंदन, भीड़युक्त लंदन से बाहर निकलने के लिए, he took a train उसने एक ट्रेन पकड़ा, to the village of Iping, Iping नामक गांव के लिए, उसने Iping नामक गांव के लिए एक ट्रेन पकड़ा, इस भीड़युक्त इस भीड़ भाड़ लंदन शहर से बचने के लिए उसने Iping नामक गांव के लिए क्या पकड़ी, ट्रेन पकड़ा। वेयर ही बुकड टू रूम्स, जहां पर उसने बुक कर लिया था दो रूम, एट द लोकल इन मीन्स जो वहां का स्थानीय था, लोकल मीन्स होता है स्थानीय, इन मीन्स सराय, स्थानीय सराय में उसने दो कमरा क्या कर लिया था, बुक कर लिया था, उसने दो कमरा पहले ही बुक कर लिया था स्थानीय सराय में, सराय मीन्स होटल, सराय मीन्स कह देंगे होटल, स्थानीय होटल में उसने दो कमरे पहले ही क्या कर लिए थे, बुक कर लिए थे। The arrival of stranger, एक अजनबी का arrival means आना, at in means सराय में, in winter means सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में एक व्यक्ति का सराय में आना, was any case and unusual event, यह एक असाधारण घटना थी, क्योंकि जो है ठंडी के मौसम में माना जाता है होटल वोटल एकदम खाली रहती हैं, और गांव का होटल तो और खाली होगा, क्योंकि लोग घूमने जो है ठंडी के मौसम में नहीं जाते हैं, तो इसलिए जो है होटल वोटल जो है आपके मैक्सिमम खाली हुए होते हैं, तो गांव के सराओं में अगर जो है कोई होटल है और वहाँ पर ठंडी के मौसम में कोई आ रहा है तो थोड़ा सा आश्चर्यचकित असाधारण बात थी, तो इसलिए जो है वहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, the arrival of stranger at an inn in winter was any case of an unusual event, means भीड़ में किसी अजनबी का सराय में आगमन या फिर आना एक असामान्य क्या थी, घटना थी। a stranger of such uncommon appearance, और ऐसा स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, ऐसा अजनबी जो कैसा है, अनकॉमन है, अनकॉमन मीन्स विचित्र है, अपीयरेंस मीन्स उसकी जो है जो शारीरिक वेशभूषा है, जो शारीरिक उसका वेशभूषा है बिल्कुल विचित्र है, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, जो है यह क्या बन गया, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, यह पूरी तरह से चर्चा का क्या बन गया, विषय बन गया, सेट ऑल टंग्स वैगिंग मीन्स होता है चर्चा का विषय बनना, और इस तरह से विचित्र जो है विचित्र शक्ल वाला वेशभूषा वाला व्यक्ति पूरी तरह से चर्चा का क्या बन गया, विषय बन गया। ठीक है, आगे मिसेस हॉल, अब मिसेस हॉल देखो कौन है, The landlord's wife, मिसेस हॉल जो है मकान मालिक की क्या है, पत्नी है, मिसेस हॉल मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मिस मकान मालिक की पत्नी, मेड एवरी इफर्ट मिस प्रत्येक प्रयास की टू बी फ्रेंडली मिस उसके साथ दोस्ताना दोस्ती करने के लिए, उसके साथ दोस्ती जैसा व्यवहार करने के लिए उन्होंने बहुत क्या किया, प्रयास किया, मीन्स सराय की जो मालिक की पत्नी थी उससे मैत्री करने का क्या किया, प्रयास किया। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई जो है इच्छा नहीं थी, टू टॉक मीन्स बात करने की, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी क्या करने की, टॉक करने की, बात करने की, एंड टोल्ड हर, और उससे उन्होंने कहा, क्या कहा, My reason for coming to Iping, मेरा Iping आने का जो वजह है, जो कारण है, is a desire means इच्छा होना, for solitude means एकांत, एकांत की जो मेरी चाहत है, इसलिए मैं यहाँ पर Iping में, Iping नामक गांव में आया हूँ।
तो इसलिए आप मुझसे बात करके मुझे डिस्टर्ब ना करिए, मैं एकांत के लिए यहां पर क्या हुआ हूं, आया हूं। इस बात को कौन कहता है, जो है ग्रिफिन कहता है, वह वैज्ञानिक कहता है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे काम में भी कोई क्या करे, बाधा उत्पन्न करे। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे काम में कोई बाधा उत्पन्न करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, इसके सिवाय, बिसाइड मीन्स के अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट मीन्स एक जो है एक्सीडेंट, दुर्घटना, हैज अफेक्टेड माई फेस मीन्स मेरे चेहरे को क्या कर दिया, प्रभावित कर दिया है। एक जो है दुर्घटना मेरे चेहरे को क्या कर दी है, प्रभावित कर दी है। वही दिया हुआ है कि एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, एक दुर्घटना मेरे चेहरे को क्या कर दी है, प्रभावित कर दी है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका छठा पैराग्राफ। अब हम लोग चलेंगे सातवें पैराग्राफ पे, बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सातवां पैराग्राफ क्या है। सातवें पैराग्राफ में बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास टेंथ के सभी बच्चों को वीडियो को शेयर और करेंगे। और आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम पे सर्च करिएगा डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आपको वहाँ आपका टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ जाइएगा। क्योंकि आपके नोट्स के बारे में जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो है आपका, जो कहे हुए हैं आपसे, वादा किए हुए हैं, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों आपका सातवें पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आपका सातवां पैराग्राफ क्या है। सातवां पैराग्राफ आपका है, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट होकर के, दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंटिक साइंटिस्ट, इस बात में ही संतुष्ट हो गई कि जो है कि उनका जो गेस्ट है मीन्स मेहमान है, वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, एक गुस्सेल मीन्स सनकी कह सकते हो, सनकी वैज्ञानिक है। मीन्स उन्होंने मान लिया कि जो उनका जो है ये आगंतुक है, गेस्ट है, मेहमान है, वह क्या है, एक सनकी वैज्ञानिक है। एंड इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात को भी अपने दिमाग में रखी, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, कि उन्होंने उसने क्या किया हुआ है, एडवांस में ही भुगतान कर दिया है, मीन्स पहले ही कमरे का किराया दे दिया हुआ है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मीन्स इस बात से संतुष्ट होकर के जो उसने व्यवहार किया उससे, वह नहीं, इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है, और इस बात को ध्यान में रखकर कि उसने उसे किराया एडवांस दिया हुआ है। मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर्ड, मिसेस हॉल तैयार हो गई टू एक्सक्यूज मींस माफ़ करने के लिए हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी विचित्र आदतों को, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उससे गुस्सैल स्वभाव को, उसके गुस्सैल स्वभाव और विचित्र आदतों को माफ़ करने के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई। मिस किस लिए तैयार हो गई, यह मानते हुए कि वह सनकी वैज्ञानिक है और उसने किराया पहले ही दे दिया है, इस बात को मानते हुए मिसेस हॉल क्या हो गई, तैयार हो गई उसकी विचित्र आदतों को माफ़ करने के लिए, और उसका इरिटेबल मिस गुस्सैल स्वभाव को माफ़ करने के लिए वह क्या हो गई, तैयार हो गई। बट दी स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो उसका चुराया हुआ पैसा था वह बहुत लंबे समय तक नहीं चला, जो वह उसने चुराया हुआ जो उसका पैसा था वह बहुत अधिक लंबे समय तक नहीं चला। आगे देखते हैं, आगे जो है देखते हैं, बट दी स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली, और जो है प्रेजेंटली मीन्स इस समय, ठीक है, एंड प्रेजेंटली अच्छा कुछ छूट गया, पांचवें में कुछ छूटा था क्या, द इंटर ऑफ द थिएटर ही सून फाउंड अ सुटेबल साहब मेड हिज इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट ऑफ लिटिल इट वेयरिंग बॉन्डेजेस राउंड हिज फेयर। अच्छा हो गया है, सब कुछ हो गया है, मुझे लगा कि जो है कि कुछ छूट गया, कुछ लाइन शायद मुझे छूट रहा है, पांचवें पैराग्राफ में कुछ लाइन छूटी हुई थी क्या, शायद पांचवें पैराग्राफ में अंतिम में कुछ लाइन छूटी हुई थी, तो उसे जल्दी से देख लो, क्योंकि जो है पैसा उसने कब लूटा था, यहाँ पर दिया हुआ था पैसा लूटने की, तो शायद मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने पांचवें पैराग्राफ का पैसा लूटने की बात नहीं बताया था, ठीक है। तो पांचवें पैराग्राफ को एक बार फिर से थोड़ा सा देख लो, यहाँ से देखो, ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, यहाँ से फिर से देखो, ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, तो थोड़ा सा तेजी से यहाँ बताएंगे, अगर बताए होंगे तो कोई बात नहीं बताएंगे तो आप रिविजन कर लेना। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, वह जल्दी ही एक उपयुक्त दुकान पर आ गया,
पाया, ही मेड हिज वे इनविजिबल, वह अपने रास्ते को इनविजिबल पाया, अब स्टेयर्स में सीढ़ियों से चलते हुए, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, और वह जल्दी से बाहर निकला, अपने माथे पर जो है पट्टिका बांध करके, डार्क ग्लासेस मीन्स काले चश्मे लगा करके, फॉल्स नोज मीन्स जो है नकली नाक लगा करके, बिग बसी साइड्स वेस्कर्स मीन्स मूछे पहन करके, एंड लार्ज हैट मीन्स लंबी टोपी पहन करके, टू स्केप विदाउट बींग सीन, शायद हमने यहाँ से नहीं बताए हुए थे क्योंकि पैसे चोरी की बात सातवें पैराग्राफ में आई तो उसका पैसा ज़्यादा समय तक नहीं चला, तो शायद मैंने इस चीज़ को नहीं पढ़ाया था तो इसलिए मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। तो इसे देखना, टू स्केप विदाउट बींग सीन मीन्स टू स्केप मीन्स बचने में, विदाउट सीइंग मीन्स बिना देखे बचने के लिए, ही कैलोसली मीन्स होता है प्यारे बच्चों, कैलोसली मीन्स होता है संवेदनहीन ढंग से, वह संवेदनहीन ढंग से अटैक द शॉपकीपर, दुकान के ऊपर आक्रमण, दुकानदार के ऊपर आक्रमण किया, फ्रॉम बिहाइंड मीन्स पीछे से उसने दुकानदार के ऊपर आक्रमण किया, एंड आफ्टर विच ही ड्रॉप्ड हिम, और उसे उसने लूट लिया, ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जितना वह पैसा पा सकता था उसका पूरा पैसा वह क्या कर गया, लूट लिया हुआ था। मिस जहां पर यह जो है जिस थिएटर की दुकान में गया हुआ था उससे बचने के लिए संवेदनहीन ढंग से उसने उसके पीछे से जो है क्या किया था, आक्रमण किया था, और जितना उसका पैसा था उसने उसके सारे पैसे क्या कर लिए थे, लूट लिए हुए थे। तो प्यारे बच्चों शायद हमने दो लाइन यही छोड़े हुए थे और आगे जो है क्योंकि सातवें पैराग्राफ में देखो यहाँ पर मिल गया था इसलिए दिमाग में चीज़ें क्लिक कर गई। यहाँ पर देखो दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, बट दी स्टोलेन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसके चुराए हुए पैसे ज़्यादा समय तक नहीं चले, मीन्स जब यह सराय में आके रहने लगा तो उसके जो चुराए हुए उस दुकान से जो चुराए हुए पैसे थे वह ज़्यादा समय तक नहीं चले, वही दिया हुआ है, बट दी स्टोलेन मनी, लेकिन चुराए हुए पैसे डिड नॉट लास्ट लॉन्ग मीन्स लंबे समय तक नहीं चले, एंड प्रेजेंट ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और इस समय जो है ग्रिफिन ने स्वीकार किया दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि उसके पास कोई नगद कैश नहीं है, नगद धन नहीं है, रेडी कैश मीन्स होता है नगद धन, कि उसके पास कोई नगद पैसा नहीं है, इस बात को स्वीकार कर लिया, ही प्रिटेंडेड, उसने क्या किया, बहाना बनाया, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउ एवर, फिर भी, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग, कि वह उम्मीद कर रहा है अ चेक अराइव मीन्स एक चेक आ जाएगा, एट एनी मोमेंट मीन्स किसी भी क्षण, मीन्स किसी भी क्षण एक चेक आ जाएगा, इस चीज़ का बहाना बनाते हुए उसने क्या किया, एक बहाना बनाया, ठीक है, उसने बहाना क्या बनाया, फिर से देखो, एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, स्वीकार किया दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, उसके पास कोई रेडी कैश नहीं है, ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउ एवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक, कि वह एक चेक क्या उम्मीद कर रहा है, टू एट अराइव एट एनी मोमेंट, जो किसी भी क्षण क्या हो सकता है, अराइव हो सकता है मीन्स पहुँच सकता है, मीन्स उसने मकान मालिक से झूठा बहाना बनाया कि एक चेक है जो किसी समय क्या हो सकता है, आ सकता है। आगे देखते हैं पैराग्राफ, जो सातवें पैराग्राफ में आगे देखते हैं आगे क्या है, Shortly afterwards, इसके बाद थोड़े समय बाद a curious episode occurred, means एक विचित्र चीज क्या हुई, घटित हुई, इसके कुछ समय बाद एक विचित्र चीज क्या हुई, घटित हुई, curious means होता है विचित्र, एक विचित्र चीज घटित हुई, वेरी अर्ली इन दी मॉर्निंग मीन्स बहुत सुबह, सुबह में बहुत सुबह, अ क्लर्जी मैन, क्लर्जी मीन्स होता है पादरी, एक क्लर्जी मैन मीन्स एक पादरी, पादरी मीन्स होता है जो चर्च में काम करते हैं, जो मुख्य होते हैं वहाँ के, उन्हें बोलते हैं पादरी, अ क्लर्जी मैन्स मीन्स क्लर्जी मैन मीन्स एक पादरी, एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी, वेयर अवेकेंड मीन्स जागरूक उठे थे, बाई नॉइस मीन्स शोर से, इन दी स्टडी मीन्स अध्ययन कक्ष में, अध्ययन कक्ष में जो शोर हो रहा था उसके शोर से जो है पादरी और उनकी पत्नी क्या हो गई, उठ गई, अर्ली इन दी मॉर्निंग में सुबह सुबह ही, भोर में ही पादरी और उनकी पत्नी स्टडी रूम में मीन्स जो पढ़ने वाला जो रूम था, कक्ष था, उसमें शोर की वजह से वह क्या हो गई, उठ गई, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैंस डेस्क, ध्यान देना, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों से आते हुए दे हियर्ड, उन्होंने सुना दी चिंक, चिंक मीन्स होता है खनखनाहट, खनखनाहट की आवाज़ सुना, किसकी,
आप मनी मीन्स पैसे, पैसे की खनखनाहट की आवाज सुना, बीइंग टेकन फ्रॉम जो चुराए जा रहे थे फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क मीन्स क्लर्जी मैन के डेस्क मीन्स पादरी के डेस्क में से जो पैसे निकाले जा रहे थे उसकी आवाज उसने क्या किया, खनखनाहट की उसकी आवाज उसने सुना। वही दिया हुआ है, क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स सीढ़ियों से नीचे आते हुए दे हियर्ड, उन्होंने सुना द चिंक ऑफ मनी मैन्स पैसे के खनखनाहट की आवाज, बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क जो क्लर्जी मैन के डेस्क में से क्या किया जा रहा था, निकाला जा रहा था। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई आवाज किए, एंड विथ अ पोकर ग्रैस फर्मली, पोकर मीन्स होता है लोहे की छड़, ग्रैस मीन्स होता है पकड़ना, फर्मली मीन्स मजबूती के साथ, मजबूती के साथ एक लोहे की छड़ पकड़े हुए, इन हिज हैंड मीन्स अपने हाथ में, अपने हाथ में मजबूती से एक लोहे की छड़ को पकड़े हुए, द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जी मैन ने धमाके के साथ, फ्लंग ओपन मीन्स होता है धमाके के साथ, ओपन द डोर मीन्स दरवाजे को क्या किए, खोले, मीन्स क्लर्जी मैन मीन्स पादरी ने धमाके के साथ जो है क्या किया, दरवाजे को खोला, सरेंडर, और दरवाजे को खुशों खोलने के बाद क्या करें, सरेंडर में समर्पण कर दो, अर्थात जो कोई भी चोर है वह क्या कर दे, समर्पण कर दे, ऐसा जो है वह कहते हैं, मीन्स वह क्लर्जी मैन वह पादरी ऐसा कहते हैं कि जो भी चोर हो वह क्या कर दे, समर्पण कर दे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, समर्पण के लिए उन्होंने कहा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आठवें पैराग्राफ में अब देखते हैं आपका आठवां पैराग्राफ क्या है, आपका जो है ये कंप्लीट हुआ, सातवां पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, हम लोग बढ़ते हैं आठवें पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। 10-12 पैराग्राफ टोटल मिला करके हैं, मीन्स 20-25 मिनट की और क्लास होगी, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है प्यारे बच्चों। आठवें पैराग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं आठवां पैराग्राफ क्या है। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड, देन टू हिज अमेजमेंट, फिर आश्चर्य की बात है, अमेजमेंट मीन्स आश्चर्य की बात, आश्चर्य की बात है, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि रूम क्या दिख रहा है, खाली प्रतीत हो रहा है, मीन्स तब उन्होंने अनुभव किया कि रूम कैसा था, बिल्कुल खाली था। He and his wife, वे और उनकी पत्नी, means he and his wife means वे और उनकी पत्नी, looked under the desk, कहाँ पर देखे, डेस्क के नीचे देखे, behind the curtains means curtain means जो वहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं, पर्दे के पीछे देखे, and even up the chimney, और चिमनी के ऊपर भी देखे, means वे और उनकी पत्नी ने क्या किया, डेस्क के नीचे, पर्दे के पीछे और चिमनी के ऊपर सभी जगह उन्होंने देखा। There was not a sign of anybody, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का कोई साइन नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था, कोई निशान नहीं था। एट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन जो डेस्क था जिसमें पैसा था वह अभी भी खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी, और जो घर व्यवस्था चलाने के लिए जो पैसा था वाज मिसिंग मीन्स वह गायब था, और गृहस्थी चलाने के लिए जो पैसा रखा गया था वह क्या था, गायब था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स होता है असाधारण, अफेयर मीन्स होता है मामला, अफेयर मीन्स होता है यहाँ पर मामला, ए डबल एफ ए आई आर, अफेयर मीन्स होता है मामला, और जो आपका लव वाला मामला होता है ना वह अफेयर ही होता है, वह मामला ही होता है, मीन्स लड़का लड़की जो लव के चक्कर में पड़ते हैं ना, लाइन वाइन मारने के चक्कर में पड़ते हैं ना, लड़का लड़की को पसंद करती है, लड़की लड़का को पसंद करती है, ये जो आपका अफेयर चलता है ना, ये अफेयर वो का है, यही अला अफेयर है, वो एक ही मामला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा मामला है, यहाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर मीन्स एक असाधारण मामला है। द क्लर्जी मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, मीन्स रेस्ट ऑफ द डे मीन्स बाकी बचे हुए दिन में, रेस्ट मीन्स बचे हुए, ऑफ द डे मीन्स दिन के बाकी बचे हुए दिन में वह पादरी यही कहता रहा कि यह एक असाधारण मामला था, मीन्स बाकी बचे हुए दिन में क्लर्जी मैन यही कहता रहा कि यह कैसा था, एक असाधारण क्या था, मामला था। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन यह उतना असाधारण नहीं था एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, जो मिसेस हॉल के फर्नीचर मीन्स जो उनका फर्नीचर था उसका जो है स्थिति थी उसके सिवा यह उतना जो है यह कैसा नहीं था, सरप्राइजिंग नहीं था, असाधारण नहीं था। अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग मीन्स उस सुबह जो थोड़ी देर बाद घटित हुआ,
फिर से देखो, इस लाइन को क्लियर नहीं हुआ होगा, बट इट वॉज नॉट एज एक्सट्रॉर्डिनरी, लेकिन यह उतना असाधारण नहीं था एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर, जितना मिसेस हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, मीन्स उस जो है सुबह थोड़ी देर बाद हुआ, उस सुबह जो फर्नीचर को उनकी जो है स्थिति हुई थोड़ी देर बाद, वह उतना असाधारण नहीं था, मीन्स जितना कि जो ये बात असाधारण है कि उनका पैसा चोरी हो गया कोई व्यक्ति ने दिखाई दिया, उससे भी बड़ी असाधारण बात यहां पर है। वो कौन सी बात है, देखो आगे दिया हुआ है, द लैंड लॉर्ड मीन्स मकान मालिक एंड हिज वाइफ और उनकी पत्नी वोक अप अर्ली, मीन्स वोक अप अर्ली मीन्स जल्दी ही क्या हो गए थे, उठ गए थे, मीन्स मकान मालिक और मकान मालिक की पत्नी वोक अप अर्ली मीन्स जल्दी उठ गए थे, एंड वर सरप्राइज्ड और आश्चर्यचकित हुए टू सी, देख करके द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, मीन्स जो वैज्ञानिक का जो दरवाजा था वाइड मीन्स चौड़े रूप से मीन्स यहाँ हो जाएगा पूरी तरह से वह क्या था, खुला था, मीन्स जो वैज्ञानिक था उसका दरवाजा पूरी तरह से खुला था। इस चीज को देख करके जो है मकान मालिक और मकान मालकिन क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज हो गई, मीन्स आश्चर्यचकित हो गई। यूजुअली मीन्स प्रायः, क्यों आश्चर्यचकित हो गई, प्रायः इट वाज शट मीन्स प्रायः यह बंद रहता था, एंड लॉक्ड और ताले लगे हुए होते थे, प्रायः यह बंद और ताले लगे हुए होते थे, एंड ही वाज फ्यूरियस और क्रोधित हो जाता था, और वह क्रोधित हो जाता था इफ एनी वन इंटर्ड हिज रूम, यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश कर जाता था, और वह इस बात से क्रोधित हो जाता था कि जब उसके कमरे में कोई प्रवेश कर जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, मीन्स यह अवसर सुनहरा अवसर था, मीन्स जो यह अवसर क्या था, अवसर इतना अच्छा था कि उसे खोना ठीक नहीं था। The opportunity seemed too good to be missed, मीन्स यह अवसर इतना अच्छा था, इतना सुनहरा था कि उसे खोना नहीं था। They peeped round the door, उन्होंने दरवाजे के अंदर peeped out मीन्स झांकना, peep round मीन्स होता है चारों तरफ झांका, पीप मिस होता है झांकना, राउंड मिस चारों तरफ, दी डोर मिस दरवाजे, उन्होंने दरवाजे के चारों तरफ क्या किया, झांका, मिस मकान मालिक और मकान मालकिन ने दरवाजे के चारों तरफ झांका, सा नोबडी किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और फिर उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे मीन्स छानबीन करेंगे, मीन्स इस व्यक्ति के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि ये कहाँ का है, कैसे है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, सारी चीज़ों का उन्होंने जब रूम खुला मिला तो उसने छानबीन करने का क्या लिया, निर्णय लिया। The bed cloths were cold, मीन्स जो बेड पे कपड़े पड़े हुए थे, were cold मीन्स ठंडे हो गए थे, sewing दिखा रहे थे, the scientist must have been up from some time, मीन्स कि यह वैज्ञानिक कुछ समय पहले ही उठ गया है, यह ठंडे कपड़े हो गए तो मीन्स जाहिर सी बात है कि जो है काफ़ी पहले कपड़े निकाल करके रख दिए होंगे, तभी कपड़े ठंडे हो जाते हैं, तो जो बेड क्लॉथ जो बेड पे कपड़े पड़े हुए थे वह ठंडे हुए थे, यह सोइंग दैट दी यह दिखा रहे थे दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन वेक अप सम टाइम अर्ली, मीन्स वैज्ञानिक कुछ समय पहले ही उठ चुका था, एंड स्ट्रेंजर स्टील और वह अजन भी द क्लॉथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज ओर वर लाइंग अबाउट द रूम, कि जिन क्लॉथ्स जिन कपड़ों को एंड बैंडेजेस मीन्स पट्टियों को दैट ही ऑलवेज ओर हमेशा वह पहनता था वर लाइंग मीन्स पड़े हुए थे अबाउट द रूम मीन्स कमरे में, मीन्स जिन पट्टियों को और जो है जिन कपड़ों को हमेशा पहनता था वह जो है कपड़े रूम में क्या हुए थे पड़े हुए थे, मीन्स इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि जो कपड़े और पट्टियां वह हमेशा पहना करता था वह कमरे में कैसे पड़े हुए थे, बिखरे पड़े हुए थे। अब क्यों बिखरे पड़े हुए होंगे, क्योंकि वह तो सुबह ही चोरी करने गया हुआ है, कहां पर, पादरी के रूम में, पादरी के रूम में नंगा जाकर के चोरी कर पाएगा ना, कपड़े पहन के जाएगा तो पकड़ा जाएगा, दिख जाएगा, तो नंगा ही रहेगा तभी जा सकता है ना, तो इसलिए जो है वह वहां पर चोरी करने गया होता है, तो यहां पर जाहिर सी बात है कपड़े निकाल के गया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, आगे आपका ये आठवां पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, हम लोग बढ़ते हैं नवें पैराग्राफ की तरफ, बढ़ते हैं देखते हैं आपका नवा पैराग्राफ क्या है, और नवे पैराग्राफ की बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर आउट करेंगे, प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ पे, बढ़ते हैं नवे पैराग्राफ पे, देखते हैं नवा पैराग्राफ क्या है। All of sudden Mrs. Hall heard a sneep close to her ear. All of sudden means अचानक, Mrs. Hall heard means सुनी, a sneep means सांस लेने की,
सांस लेने की आवाज़ सुनी, क्लोज टू ईयर मीन्स उनके कानों के पास। अचानक मिसेस हाल ने क्या किया, उनके कानों के पास सांस लेने की आवाज़ को वह क्या की, सुनी। एट अ मोमेंट, उसी क्षण, दैट दी हैट ऑन दी बेड पोस्ट, जो बेड पर जो टोपी पड़ी हुई थी, लेफ्ट मींस उछली अपनी सुपर ऊपर उछली एंड डस्ट इट सेल्फ इन टू हर फेस, और सीधे आकर के टकरा गई उनके चेहरे से। मीन्स टोपी उछली वहाँ पर जो रखी हुई थी और सीधे आकर के उनके चेहरे से क्या हो गई, टकरा गई। देन दी बेडरूम चेयर बीकेम अलाइव, फिर इसके बाद इतना ही नहीं हुआ, बेडरूम की जो कुर्सियाँ थी वे भी क्या हो गई, अलाइव मीन्स जिंदा हो गई, बेडरूम की कुर्सियाँ भी जिंदा हो गई। स्प्रिंकिंग इनटू द एयर, स्प्रिंकिंग मीन्स होता है उछल करके, उछलते हुए इनटू द एयर मीन्स हवा में, मीन्स ये कुर्सियाँ हवा में उछलते हुए। इट चार्ज स्टेट एट हर, वह सीधे उसके तरफ कुर्सियाँ आ रही थी, लेग्स फॉरमोस्ट, और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रही थी, जो कुर्सियाँ जो सीधे आ रही थी सबसे ज़्यादा चोटिल कर रही थी, मीन्स जो टकरा रही थी उनके पैरों से टकरा रही थी। मीन्स उन्होंने देखा हवा में उछल करके सीधे मिसेस हाल पर क्या कर रही थी, धावा बोल रही थी, सबसे अधिक उनके टांगों पर धावा बोल रही थी। जो कुर्सियां हवा में थी वह हवा में उछल करके सीधे उनके ऊपर धावा बोल रही थी, और सबसे अधिक फॉरमोस्ट कौन सा है, फॉरमोस्ट मीन्स सबसे अधिक उनके पैरों पर क्या कर रही थी, धावा बोल रही थी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, एज सी, जैसा कि वह एंड हर हस्बैंड और उनके पति टर्न्ड अवे वहाँ से गुजरते हैं, भागते हैं, इन टेरर मीन्स आतंक से, डर से, भय से, और भय से वह वहाँ से उवे और उनके पति तुरंत वहाँ से भागते हैं। दी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ, और वह असाधारण कुर्सी पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, दोनों को कमरे से बाहर धक्का दे देती है। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, और फिर तेजी से स्लैम मीन्स होता धमाके के साथ, फिर धमाके के साथ स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, उसके बाद जो है धमाके के साथ क्या होता है, दरवाजा बंद होता है और उस पर क्या लग जाता है, लॉक लग जाता है, ताला लग जाता है, और धमाके के साथ दरवाजा बंद होता है और उस पर क्या लग जाता है, ताला लग जाता है। मीन्स जैसे ही वे लोग यहाँ से निकलते हैं, मकान मालिक माकिन, धमाके इसके साथ दरवाजा बंद होता है और वहां पर क्या लग जाता है, ताला लग जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका नवा पैराग्राफ था। अब हम लोग चलते हैं नवे पैराग्राफ में, इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसे देख लेते हैं। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर इन हिस्टेरिक्स, मिसेस हॉल लगभग बेहोश होते हुए सीढ़ियों पर क्या हो गई, गिर गई। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन मीन्स लगभग गिर गई दी स्टेयर मीन्स सीढ़ियों पर, हिस्टेरिक्स मीन्स बेहोश होते हुए, मीन्स मिसेस हॉल लगभग बेहोश होते हुए सीढ़ियों पर गिर गई। सी वॉज कन्विंस्ड, वह इस बात से सहमत हो गई थी दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, कि इस रूम में क्या आ गए हैं, स्पिरिट्स आ गई हैं, मीन्स आत्माएं आ गई हैं, मीन्स भूत प्रेत आ गए हैं। वह इस बात से सहमत हो गई थी कि इस कमरे में क्या आ गए हैं, भूत प्रेत आ गए हैं। जाहिर सी बात है, वह हालांकि जो है वह व्यक्ति मार रहा था, वह साइंटिस्ट वैज्ञानिक की कुर्सियों को उछाल करके मार रहा था, लेकिन जो है वहाँ पर पता नहीं चल रहा था क्योंकि बॉडी उसकी दिख नहीं रही थी, नंगा था, चोरी करके वापस आया था, नंगा था, तो महसूस की शरीर दिख नहीं रही थी, तो इसलिए उसे पता नहीं चला कि इस वह मार रहा है। आगे देखते हैं, हाँ, एंड दैट द रूम वॉज हंटेड बाई स्पिरिट्स, कि यह जो है यह कमरा जो है आत्माओं के द्वारा क्या किया गया है, हाँ, सी वॉज कन्विंस्ड, वह सहमत हो गई दैट द रूम वॉज हॉन्टेड, कि कमरे में भूत आ गए हैं बाई स्पिरिट्स मीन्स आत्माओं के द्वारा इसमें जादू टोने आ गए हैं, अर्थात यहाँ पर भूतूत कर दिया गया है। एंड दी स्टेंजर हैड समहाउ कास्ट दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, और वह अजनबी है जो इन्हें इन भूतों को इन प्रेतात्माओं को किसमें प्रवेश करा दिया है, फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है। और फर्नीचर जब बोले तो हम आप बात समझने की कोशिश करना, जो लकड़ी के सामान होते हैं उन्हें सभी को फर्नीचर बोलते हैं, तो उन फर्नीचर में, उन लकड़ी के सामानों में वह व्यक्ति ने क्या करा दिया होगा, भूत को किसी तरह प्रवेश करा दिया होगा। My poor mother used to sit in that chair, she moaned. वह कराही
कि क्या कराही, मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठा करती थी। माई पुअर मदर यूज टू, यूज टू का प्रयोग पास्ट की आदत दिखाने के लिए करते हैं। माई मदर यूज टू सिट, मेरी माँ वहाँ पर बैठी करती थी। इन दैट चेयर मीन्स उन कुर्सियों पर, उस कुर्सी पर मेरी माँ बैठा करती थी। सीमोंड वह कराती हैं। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और अब जो है अजीब बात है कि वही कुर्सी मेरे विरुद्ध हो गई है। मीन्स वह कुर्सी अब क्या हो गई है, मेरे विरुद्ध हो गई है। विरुद्ध होने के सेंस मीन्स वही मुझ पर प्रहार कर रही है। उस कुर्सी पर मेरी माँ बैठा करती थी, अब वही मुझ पर प्रहार कर रही है। तो मीन्स इन्हें डर लग रहा होगा कि हो सकता हो मेरी माँ वाली भूत आत्मा आ गई हो, प्रेत की आत्मा आ गई हो, तो इस बात से भी डर लगता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आगे चलते हैं, दसवें पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, देखते हैं दसवां पैराग्राफ क्या है। द फीलिंग एमॉन्ग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कास्ड बाई विचक्राफ्ट। द फीलिंग एमॉन्ग द नेबर्स, पड़ोसियों में यह बात क्या हो गई, लगने लगी कि यह मुसीबत किसी जादू टोने के कारण थी। द फीलिंग एमॉन्ग द नेबर्स, मीन्स पड़ोसियों में यह भावना चलने लगी, वॉज दैट द ट्रबल, की यह समस्या यह परेशानी वॉज कास्ड बाई मीन्स उत्पन्न की गई है, बाई विच क्राफ्ट, विद क्राफ्ट मीन्स होता है जादू टोना। मीन्स पड़ोसियों में यह बात चलने लगी कि अब जो कंडीशन है किसी जादू टोना के द्वारा क्या की गई है, पैदा की गई है। बट विच क्राफ्ट आर नॉट, मीन्स जादू टोना होता है या नहीं होता है। वेन द न्यूज ऑफ द बर्गलरी, लेकिन जब यह जो है न्यूज में समाचार पता चला, आप बर्गलरी मीन्स होता है चोरी का, एट द क्लर्जीमैन्स होम, जब क्लर्जीमैन मीन्स पादरी के घर चोरी का समाचार पता चलता है, बीकेम नोन मीन्स पता चलता है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, तो वह जो है विचित्र वैज्ञानिक के ऊपर संदेह किया जाने लगा, आप हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि वह शायद हो सकता है। तो उस विचित्र वैज्ञानिक के ऊपर जो है संदेह करने लगे जाने लगा कि क्या संदेह किया जाने लगा, कि तो उस विचित्र वैज्ञानिक पर उस घटना में उसके हाथ होने का संदेह किया जाने लगा। वही दिया हुआ है, सस्पेक्टेड हैविंग हैड अ हैंड, कि उसका हाथ है इन इट मीन्स इसमें, मीन्स यह संदेह किया जाने लगा कि चोरी के पीछे हो सकता है उसका क्या हो, हाथ हो। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रांगर, मीन्स यह संदेह और मजबूत हो गया। वेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने कुछ नगद रुपए दिए उसे, जब उसने उसे कुछ नगद रुपए दिया तो यह संदेह और मजबूत हो गया। कैसे, दाउ ही हैड एडमिटेड, यद्यपि वह स्वीकार किया हुआ था, नॉट लॉन्ग बिफोर, बहुत लंबे समय पहले नहीं, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई नगद कैश नहीं, नगद पैसा नहीं है। यद्यपि उसने कुछ समय पहले ही स्वीकार किया था कि उसके पास कोई नगद पैसा नहीं है, लेकिन अब उसने जो है किराए के रूप में उसने नगद पैसा ऑफर किया, तो यह बात संदेह पैदा कर दी, मीन्स शक पैदा कर दी, तो इसलिए अब उसके ऊपर जो है और अधिक संदेह जाने लगा, और अधिक संदेह जाने लगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अब उसके ऊपर संदेह किया जाने लगा है, तो फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, मींस गांव के सिपाही को, द विलेज कांस्टेबल गांव के सिपाही को वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, मींस उन्हें चोरी से क्या कर लिया गया था, बुला लिया गया था। गांव के सिपाही को, सिपाही मींस पुलिस को, गांव के पुलिस को क्या कर लिया गया था, चोरी से बुला लिया गया था। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, मीन्स पुलिस का इंतजार करने के पहले ही, इंस्टीड ऑफ मीन्स के बजाय, पुलिस के आने का इंतजार करने के बजाय, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसेस हॉल जो है उस वैज्ञानिक के पास गई, हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो किसी भी तरह से मिस्टीरियसली मीन्स रहस्यमय ढंग से अपीयर्ड मीन्स प्रकट हो गया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, मीन्स उस खाली बेडरूम में, जो अब जो है रहस्यमय ढंग से उस खाली बेडरूम में क्या हो गया था, प्रकट हो गया था। अर्थात अब उसने कपड़े उपड़े पहन लिए हुए थे, वो तो पहले से ही बेडरूम में था, अब उसने कपड़े उपड़े पहन लिए होंगे। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, चाहती हूँ, वाट यू से हैव बीन डूइंग इन माई चेयर अपस्टेयर्स, तुम मेरे कुर्सियों के साथ जो है क्या कर रहे थे, मैं जानना चाहती हूँ तुम मेरे कुर्सियों के साथ क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, उसने मांग किया, मीन्स उसने पूछा।
एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं ये अभी मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम खाली रूम में कैसे प्रवेश किए, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम, और तुम कैसे एक ताले बंद हुए रूम में कैसे प्रवेश करते हो, और मैं यह भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से खाली कमरे के बाहर आ गए और ताला लगे कमरे में तुम घुस कैसे गए, मैं इस बात को भी जानना चाहती हूँ। यह बात कौन कहता है? मकान मालकिन कहती हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि जो है तुम किस प्रकार से खाली कमरे के बाहर आ गए और ताला लगे कमरे में तुम किस प्रकार से घुस जाते हो, मैं इस चीज़ को जानना चाहती हूँ। यह बात पूछती हैं, मकान मालकिन पूछती हैं। आप देखो आगे क्या होता है, ठीक है, आगे क्या होता है उसे देखो। दिस साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, यह जो वैज्ञानिक था ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, क्विक टेम्पर्ड मीन्स होता है इरिटेबल, इरिटेबल मीन्स होता है तुनक मिजाज, यह वैज्ञानिक थोड़ा सा तुनक मिजाज का था। नाउ ही बीकेम फ्यूरियस, अब वह क्या हो गया, क्रोधित हो गया। यह तुनक मिजाज का था, आपको पहले ही पता था, अब यह क्या हो गया, क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम्हें नहीं पता है who or what I am, कि मैं कौन क्या हूँ, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन क्या हूँ। He shouted, वह चिल्लाया, very well, ठीक है, I will show you, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने चिल्लाया कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन क्या हूँ, और very well, ठीक है, I will show you, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। Suddenly he threw off bandages, अचानक उसने फेंक दिए, आप बैंडेजेस मीन्स क्या फेंक दिए, उसने जो पट्टी लगाए हुए थे उसने सारी पट्टियों को निकाल दिया। विस्कस, विस्कस मीन्स मूछों को निकाल दिया, स्पेक्टिकल्स चश्मे को निकाल दिया, इवन नोज यहाँ तक नाक को भी इसने क्या कर दिया, निकाल दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट, इसे करने में उसे केवल एक मिनट का समय लगा, टू डू दिस मीन्स इसे करने में, इसे करने में उसे क्या कितने से मिनट का लगा, केवल एक मिनट का समय लगा। द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन, अब ध्यान देना, अब इसमें क्या दिया हुआ है कि वहाँ पर जो लोग थे, जो बार में बैठे हुए थे, मैखाना में जो लोग बैठे हुए थे, बिना सिर वाले व्यक्ति को देखकर क्या हो गए, भयभीत हो गए, ठीक है। दे हॉरिफाइड पीपुल, वे भयभीत हो गए, इन दी बार मीन्स जो बार में बैठे हुए व्यक्ति थे, सभी हॉरिफाइड हो गए मीन्स आश्चर्यचकित हो गए, डर गए, भयभीत हो गए। फाउंड देमसेल्फ मीन्स एक ऐसे व्यक्ति को पा करके, इस ट्रेनिंग है हेडलेस मैन, जिसका सर ही नहीं हो, सर ही नहीं हो मीन्स उसने सर के ऊपर वाले सारे पोर्शन को क्या कर दिया, हटा दिया, मीन्स उसने मोछ हटा दिया, दाढ़ी हटा दिया, पगड़ी हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, तो मीन्स ऊपर वाला इंडिविजुअल हो गया, अदृश्य हो गया। तो इसलिए बिना सर के व्यक्ति को देख करके सभी क्या हो गए, भयभीत हो गए, डर गए। अब यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बिना सर वाला व्यक्ति दिख रहा है ना, और ये लोग डरे हुए से दिख रहे हुए हैं ना, तो उसने सर के सब कुछ निकाल दिया हुआ है, तो ये लोग डरे हुए दिख रहे हैं, तो वही इस बात को कह रहे हुए हैं, बढ़िया से इसने फिगर भी दिया हुआ है। आगे चलते हैं, आगे देखो, देखते हैं आगे क्या है। माई मिस्टर जेफर्स, मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल, और उस पुलिस वाले का नाम क्या है, मिस्टर जेफर्स है, जिसे बुलाया गया है, उस पुलिस वाले का नाम क्या है, मिस्टर जेफर्स है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल मीन्स पुलिस नाउ अराइव्ड, अब क्या कर चुका था, पहुंच चुका था। मिस्टर जेफर्स जो पुलिस कांस्टेबल था वह क्या हो चुका था, पहुंच चुका था। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित हो गया, बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। टू फाइंड मीन्स पा करके, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, मीन्स एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है, जो कैसा है, जो बिना सर का है, बिना सिर वाले व्यक्ति को क्या करना है, अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है। इस चीज को पाकर के वह क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बट जेफर्स, लेकिन जो मिस्टर जेफर्स थे, वाज नॉट इजली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग ऑफ हिज ड्यूटी, वह जो है जो मिस्टर जेफर्स हैं, अपने कर्तव्य का पालन करने से रोक पाना उन्हें संभव नहीं था। मीन्स मिस्टर जेफर्स को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकना उन्हें क्या नहीं था, संभव नहीं था। इफ मजिस्ट्रेट वारंट, यदि मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी कर दिया है, ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का,
यदि मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया ही जाना पड़ेगा, मींस करना ही पड़ेगा। हैड टू का प्रयोग करते हैं जब कोई मजबूरी हो जाती है, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, विथ आर विदाउट हिज हेड, चाहे तो उसके पास सर हो चाहे तो उसके पास सर ना हो, मीन्स सर उसके पास हो या ना हो, चाहे जिस भी कंडीशन में उसे क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। यदि मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर दिया है, वारंट आदेश जारी कर दिया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी कर दिया है, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, विथ आर विदाउट हिज हेड, कि वह व्यक्ति चाहे सर हो उसके पास चाहे उसका सर ना हो, उसे क्या करना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये प्यारे बच्चों आपका 10वां पैराग्राफ था। अब लास्ट पैराग्राफ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ने से पहले एक बात फिर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप मेरी बात को क्या करते हैं, मानते हैं। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। डियर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट ऑफ द एंड द, ध्यान देना। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन मीन्स वहाँ एक अजीब दृश्य हुआ, सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड, वहाँ पर एक रिमार्केबल मीन्स अजीब क्या हुआ, दृश्य हुआ, एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड, जैसे ही वह पुलिसमैन उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता, हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो अधिक से अधिक अदृश्य होता चला जा रहा था, एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर एंड द, जब एक के बाद दूसरे वस्त्र को क्या कर रहा था, उतार रहा था। मीन्स वहाँ एक अजीब दृश्य घटित हुआ, जब सिपाही ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश किया जो अपने वस्त्र उतारता जा रहा था, त्यों क्या होता जा रहा था, अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली अंत में अ शर्ट फ्लू इन टू द एयर, एक जो है शर्ट कहाँ उछाली गई, हवा में उछाली गई, अंत में एक शर्ट हवा में उछाली गई, एंड द कांस्टेबल फाउंड, और जो है पुलिस वाले ने पाया, हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग मीन्स अपने आप को संघर्ष करते हुए पाया, विथ समवन मीन्स ऐसे व्यक्ति के साथ, ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसे वह देख नहीं सकता था, और अपने आप को पाया ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए जिसे वह देख नहीं सकता था। Some people tried to help him, कुछ लोग उसकी मदद करने की कोशिश किए, but found themselves hit by blows, लेकिन अपने आप को वह पाए, hit means मारे हुए, by blows means मुक्के के प्रहार से अपने आप पर मारे हुए पाए, that seemed to come from nowhere, जो पता नहीं कहाँ से क्या कर रहे थे, आ रहे थे, means जो है जो लोग उनकी उसकी क्या करने की कोशिश किए, means जो कुछ लोग जो है उसकी सहायता करने की कोशिश किए, लेकिन उन्हें भी मुक्कों की मार सहनी पड़ी, जो मुक्के पता नहीं कहां से क्या कर रहे थे, आ रहे थे। ये हो गया, आगे चलते हैं, लास्ट लाइनें हैं, कुछ लाइनें आपकी बची हुई हैं, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इन द एंड मींस अंत में जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जेफर्स को क्या कर दिया गया, नॉक्ड मींस होता है मार खा करके, जो है मार खा करके कैसे अनकॉन्शियस मीन्स क्या हो गए, बेहोश हो गए। अंत में जो है जेफर्स जो था वह जो है मार खा करके बेहोश हो गया, एज ही मेड लास्ट अटेम्प्ट, जब वह अपना अंतिम प्रयास कर रहा था होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, वह उस अनसीन मीन्स बिना देखे हुए वैज्ञानिक को जब पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वह क्या किया गया, मार खा करके उसे क्या कर दिया गया, बेहोश कर दिया गया था। तो ये हो गया आपका, मीन्स अंत में जेफर्स ने अब अदृश्य वैज्ञानिक को काबू करने की अंतिम कोशिश की, तो उसे मुक्का खा करके बेहोश कर दिया गया। आगे चलते हैं, दियर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, ध्यान देना, दियर वॉज वहां पर थी कैसी आवाज थी, नर्वस मीन्स घबराहट भरी आवाज थी, एंड एक्साइटेड और उत्तेजना से भरी हुई आवाज थी, मीन्स जो वहां पर आवाजें आ रही थी वहां पर घबराहट भरी और उत्तेजना से भरी जो है चीखें सुनाई दे रही थी, होल्ड हिम, और क्या चीखें थी, होल्ड हिम मीन्स उसे पकड़ो, चीखें आ रही थी कि उसे पकड़ो, बट दिस वॉज इजियस्ट सेड देन
सेड देन डन, लेकिन यह कहना करने से ज़्यादा क्या था, आसान था। बट यह कहना, बट दिस वॉज इजियर, लेकिन यह आसान था। सेड देन डन मीन्स करने के बजाय यह कहना क्या था, आसान था। होल्ड हिम उसे कहना आसान था कि पकड़ो उसे पकड़ो, लेकिन यह करना जो है उतना ही क्या था, मुश्किल काम था। वही यहाँ पर दिया हुआ है, यह कहना करने से ज़्यादा क्या था, आसान था। ग्रिफिन हैड सेकिन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को क्या कर लिया था, फ्री मीन्स स्वतंत्र कर लिया हुआ था। मीन्स सेकिन मीन्स झटक करके, सेकिन मीन्स हिला करके या फिर झटक करके, जो उसे पकड़े हुए थे झटक करके वह अपने आप को क्या कर लिया था, स्वतंत्र कर लिया था। ग्रिफिन क्या दिया, ग्रिफिन हैड सेकिन हिमसेल्फ फ्री, मीन्स ग्रिफिन ने स्वयं को झटक करके अपने आप को फ्री स्वतंत्र कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई नहीं जानता था, वे टू ले हैंड्स ऑन हिम, मीन्स उसे कोई और कोई नहीं जानता था कि उसे कहाँ से पकड़ा जाए। वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, मीन्स उस पर कहाँ से हाथ रखा जाए, अर्थात उसे कहाँ से पकड़ा जाए, इस बात को कोई नहीं जानता था। अब यहाँ पर दिया वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, मीन्स को उसके ऊपर कहाँ हाथ रखा जाए, हाथ रखा जाए मीन्स उसे कहाँ से पकड़ा जाए, इस व्यक्ति का जवाब, इस जो है क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं जानता था। तो प्यारे बच्चों, ये आपका था फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का हिंदी एक्सप्लेनेशन, मीन्स हिंदी व्याख्या था। हमने एक एक वर्ड मीनिंग क्लियर करते हुए पूरी विस्तार से इस चैप्टर के बारे में चर्चा किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं आपको कहीं भी इस चैप्टर में कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अगर आपकी कोई भी वर्ड मीनिंग की समस्या आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ आज का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन हो गया। अब जो है इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और इसका वकैब, तीन क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में आपका इसका वकैब और सारी चीज़ें, आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सारी चीज़ें आपकी क्लास अगली क्लास में करा देंगे। तब तक आप जो है आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, और क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास ट्वेल्थ के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आप नोट्स के लिए टेलीग्राम को आप अपलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आप जो है सर्च करेंगे डायमंड एकेडमी क्लासेस, तो आपका वहां पर ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन नोट्स के बारे में मिल जाएगी। वैसे उम्मीद करते हैं 15 नवंबर के बाद आपका एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो आपसे कहे हुए हैं उसे रेडी करने की कोशिश करेंगे 15 नवंबर के बाद आपको, और इसके लिए आप लोग जो है टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। बाकी यूट्यूब पे इस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जैसे भी आपका नोट्स एग्जाम रिलेटेड नोट्स तैयार हो जाएगा आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो आप लोग उसके लिए बेफिक्र रहिए, उसके लिए टेंशन ना लीजिए। हाँ, बस इतना जितना पढ़ाए हुए हैं आप उसे पूरा पढ़ते चलिए, उसे कवर करते चलिए। यदि पीछे का आपका कुछ छोटा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे चेक करके पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ, और हाँ, आप इंस्टाग्राम पर भी डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो आपका वहाँ भी मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन क्लास समाप्त करने से पहले कुछ बेहतरीन लाइन के साथ क्लास समाप्त करते हैं। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपको क्या करना है। इसलिए आपको अगर अपनी मंजिल तय करनी है तो अपनी मंजिल तय करने में ज़्यादा समय ना लगाओ, नहीं तो आपको जो है समय ही आपकी मंजिल तय कर देगा कि आपको किस जगह लेके जाना है। तो आपको अपनी मंजिल एक समय रहते ही जो है तय कर लेना है। तो बहुत बेहतरीन लाइन है, समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय करेगा कि आपको क्या करना है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को अभी से तय कर लो कि आपको करना क्या है, और उसी के पीछे दिन रात जुट करके एकदम पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश और जान के साथ, जितनी आपकी जान है, जितना आप कर सकते हो, पूरे जोश जज्बे के साथ उस अपने गोल के प्रति, उस अपने टारगेट के प्रति जुट जाइए और पूरी मेहनत करिए, आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। और अभी तो आपकी सफलता यही है कि आपको हाई स्कूल में बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, टॉप करने के बाद आपको मैसेज करना है कि सर हमने अपने जिले में, अपने राज्य में टॉप किया हुआ है। तो इस चीज से जो है, इस चीज को दिमाग में बना रखना कि आपको सफलता अर्जित करनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद कर रहे होंगे कि आप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई को कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल प्यार बच्चों।